वैसे पैट्रियोटिज्म के लिस्ट में आज एक और नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो मूवी आज योद्धा आ रही है भाई, पब्लिक रिव्यू यानी अर्ली रिव्यू जो आ रहे हैं पब्लिक की तरफ से, बहुत ही बेहतरीन और फाड़ आ रहे हैं। जहां पर कंपैरिजन सेट करा जा रहा है, कंपैरिजन नहीं बराबर का दर्जा ही दिया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, जो मूवी अभी शुरुआत में यानी सुबह जो देखकर आ चुके हैं जो लोग भाई, शेरशाह उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक एंड देन अभी जो फाइटर मूवी आई थी, उससे पहले जो बॉर्डर मूवी आई थी, इन सारी मूवीज से कंपैरिजन सेट किया जा रहा है कि ये भी वही लेवल की आग फाड़ रही है, वही चीज मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन ये एक बार के लिए देके जाएगी। जो यूथ है ना, जो डिफेंस के लिए तैयारी करते हैं, जो आफ्टर ट्वेल्थ जिनको दिमाग में यही डाला जाता है कि भाई साहब डिफेंस या फिर मिलिट्री या फिर आर्मी या फिर क्या कहते हैं पुलिस वगैरह की तैयारी कर, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्पिरेशन होने वाला है, ऐसा भाई फर्स्ट रिव्यू आ रहा है। फिलहाल आज भी बात करेंगे कि फाइनल एडवांस बुकिंग इस मूवी की आज डे वन के लिए कितनी है, इसका सक्सेस रेट कितना चल रहा है, इस मूवी की हाइप कितनी चल रही है, ये मूवी भाई वैसा कमाल धमाल कर देगी जैसा अभी तक हम देखते आ रहे थे, 150 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिल रहा है, बजट कितना है इसका, टोटल एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है, और उसके बाद मूवी के रिव्यू कैसे चल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बाकी भाई बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक एक सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है एक लाइक हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से हमें चैनल भी बूस्ट करता है, देन उसके बाद जो मोटिवेशन इंस्पिरेशन हमें मिलता है बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को डिग आउट करके आपके सामने लाने के लिए बेस्ट है। तो शुरुआत करते हैं भाई एडवांस बुकिंग से, शुरुआत करेंगे डे वन के लिए यानी आज के लिए एडवांस बुकिंग देखें तो कितनी है, बहुत बुरी एडवांस बुकिंग है, उतनी कोई अच्छी नहीं है। मूवी का जो कंटेंट यहां से निकल कर आ रहा है दमदार है, क्योंकि ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग था, ट्रेलर के अकॉर्डिंग लोग बहुत ज़्यादा बूस्ट हुए थे और हाइप्ड हुए थे, लेकिन नहीं एडवांस बुकिंग उतना नहीं है। 1,33,00,000 की एडवांस बुकिंग आज डे वन के लिए इन्होंने करी है, जहां पर 71,206 टिकट सोल्ड आउट करें हैं, सो जिनके खाते में 7,097 आ चुके हैं। नेशनल चेन्स की बात करें तो 25,000 के आसपास टिकट इन्होंने नेशनल चेन से सोल्ड आउट करे हैं, कहां पर PVR आईनेक्स एंड सिनेपॉलिस को मिलाकर। लेकिन भाई मूवी का बजट कितना है, मूवी का बजट है 55 करोड़, देखा जाए तो कोई भारी भरकम बजट नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग आज के लिए हुई है तो खतरा लग रहा है कि मूवी ये कवर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बस डिपेंड क्या करता है मूवी की हाइप अभी क्या चल रही है। उससे पहले बता दें मूवी की हाइप भाई बहुत बुरी चल रही है, एवरेज भी नहीं कहेंगे, बिलो एवरेज हाइप चल रही है, बस डिपेंड करता है इस मूवी की सक्सेस में कब, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, डिपेंड आज पे करता है कि ये मूवी कितनी कमाई करेगी, क्या ब्लॉकबस्टर का हिट लेके जाएगी, क्या अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाएगी तो भाई आज क्योंकि पॉजिटिव रिव्यू अगर इसे मिल जाते हैं तो इजीली ये मूवी ना कि सिर्फ अपना बजट रिकवर करेगी और उससे ऊपर की कमाई करके जाएगी, 150-200 करोड़ या हो सकता है 500 करोड़ भी ठोक जाए। वैसे अकॉर्डिंग टू ट्रेलर बात करें मूवी की सक्सेस रेशियो की, तो भाई 50% काम ट्रेलर करके चला गया था, पॉजिटिव रिव्यू आए थे भाई, लोग एक्साइटेड हो गए थे कि भाई मूवी आए देखें क्या मिलने वाला क्या नहीं मिला, क्योंकि एक्शन का तड़का विद स्टोरी लाइन कौन नहीं चाहता है भाई, क्योंकि यहाँ पर आजकल के जमाने में एक्शन के मामले में कोई कुछ भी चूतियापा काट देते हैं, लॉजिकल कंटेंट, लॉजिकल स्टोरी राइटिंग नहीं होती, लॉजिकल प्लॉटिंग नहीं होती है, जो लोग चाहते हैं भाई स्टेप टू स्टेप स्टोरी आगे बढ़े, उसमें एक्शन उसका पार्ट होना कि सिर्फ एक्शन के बेस पर वो मूवी निकले। तो भाई ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बाकी रिव्यू में बात करेंगे, और यहां तक पहुंच गए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, बाकी आपके हिसाब से ये मूवी आज डे वन के लिए कितना सिक्योर करती है। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ 7-8 करोड़ अपने आज डे वन के लिए सिक्योर करेगी, आपका क्या हिसाब किताब है, आप कितना ये मूवी सिक्योर करती है नहीं करती है। बाकी हम चलते हैं भाई मूवी देखने और मिलते हैं रिव्यू में, बाय।